तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको रील्स रिमिक्स वीडियो बारे किस तरीके से करनी है, और एकदम जेन्युइन ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आप उस ट्रिक्स को यूज करोगे तो आपकी बहुत जल्दी वीडियो वायरल हो जाएगी और बहुत अच्छा खासा आपको अपनी वीडियो पे रेस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि यार कई बंदे ऐसे हैं जो काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं और उनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, तो यार वो अगर किसी भी डेट वीडियो के साथ वीडियो बना के अपनी वीडियो को वायरल कर देते हैं तो उसके जो कि आने वाली वीडियो होंगी वो भी वायरल हो जाएगी। मतलब अगर आप सिंगल भी वीडियो बनाते हो तो वो भी यहाँ पे वायरल होने लगेगी, उन पर भी अच्छा खासा व्यू आएगा और अच्छे खासा रेस्पॉन्स आने लग जाएगा। यार चलिए मैं बताऊँ आपको किस तरीके से आपको वीडियो को वायरल करना है। तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है शिव त्रिपाठी और आपका स्वागत है शिव रजनीश यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लेके आता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आपका रेल रिमिक्स वाला ऑप्शन नहीं आया है तो वो आपको किस तरीके से लेके आना है अपनी आईडी पे, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो ऊपर आई बटन में वीडियो दी गई है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हो और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको रेल रिमिक्स वाला ऑप्शन किस तरीके से लेके आना है अपनी आईडी पे। तो चलिए फटाफट से बता देता हूँ किस तरीके से आपको रेल रिमिक्स वीडियो वायरल करनी है। तो वीडियो आपको किस तरीके से वायरल करनी है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यार आपको करना क्या है, आपको जिस भी बंदे के साथ आप डुएट बना रहे हो वो बंदा कोई ऐसा होना चाहिए जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो, या फिर उस बंदे ने अपनी वीडियो के अंदर कुछ ऐसा किया हो जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगे और आपने खुद से उस वीडियो को 2 से 4 बार देखा हो, मतलब आपको भी वीडियो देखने में इंटरेस्ट आया हो। इस तरीके की आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ड्यूट बनाना है और उस पर आप थोड़ा सा रिएक्शन दे सकते हो, जिस तरीके से मतलब कि ये बंदा कुछ करने वाला है इस तरीके का कोई रिएक्शन दे सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी अपनी वीडियो वायरल रखते हो। जैसे कि सबसे साइड में आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है और इसमें एक बंदा है जो कि फुटबॉल के साथ खेल रहा है। तो इस लड़की ने इसके साथ ड्यूट किया है और अपने ड्यूट वीडियो के अंदर इसने कुछ इस तरीके से दिखाया है कि जो ये बंदा फुटबॉल इधर से इधर फेंका है तो ये इस लड़की के पास आ रही है। तो मतलब इससे आपकी वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि ये दोनों पर्सन एक ही जगह पे हो और ये फुटबॉल का लेन देन कर रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो होती है कुछ इस तरीके की, मतलब आपको वीडियो के अंदर कुछ ऐसा लेके आ रहा है जिससे कि आपकी वीडियो पे काफी देर तक लोग रुक सके और आपकी वीडियो को देखेंगे तो आपकी वीडियो वायरल होने की काफी ज्यादा चांस रहेगी। यार आप उसमें हैशटैग भी यूज कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक वीडियो अपलोड करके किस तरीके से आप उसमें लिखोगे अपनी वीडियोज के अंदर, तो हो सकता है कुछ बंदे रुक जाए आपकी वीडियो पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ तो किस तरीके से आपको ड्यूट वीडियो बनानी है और क्या क्या चीज लिखनी है। अगर जो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज आप यहाँ पे लिखते हो तो आपकी वीडियो पे वॉच टाइम काफी ज्यादा आने वाला है। वॉच टाइम से आप समझ सकते हो किसी बंदे ने आपकी 2-3 बार वीडियो को देखा, तो इससे जो कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम होता है, रील्स का एल्गोरिथम होता है, तो उसको लगता है कि आपकी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी है तो उसको वो आगे तक भेजता है। तो यार आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में मैंने एक लड़के के साथ ड्यूट बनाया हुआ है। अब इसके अंदर मैंने किया कुछ नहीं है, जो लड़के ने बोला मैंने सिंपली से उस पर एक लिप सिंक कर दी है मैच करके, मतलब लिप सिंक कर दी। उसके बाद अब आपको करना क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे पब्लिक को रोक के रखना है जिससे कि आपके वो वीडियो देखे। तो यहाँ पे सिंपली की साइड ऊपर की साइड यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, उसके बाद 3 लाइन आ रही है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो योर ऑडियो आ रहा है और सिंपली से जिस बंदे का मैंने ऑडियो यूज किया उसका आ रहा है। तो आपको अपनी ऑडियो को बिल्कुल ऑफ कर देना है, नहीं तो यार आपका जो कि वॉइस होने वाला है वो यहाँ पे डबल सुनाई देगा तो मजा नहीं आएगा देखने वाले को, तो आपको यहाँ पे पहले उसको कम कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है रोकने के लिए पब्लिक को, आपको सिंपली से यहाँ पे कुछ इस तरीके का लिखना है, जैसे कि वेट फॉर एंड या वेट फॉर लास्ट लाइन इस तरीके से लिख सकते हो, या वेट फॉर ट्विस्ट। अगर आप कोई ऐसी वीडियो दे रहे हो जिसपे कि कुछ अमेजिंग होने वाला है लास्ट पे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेट फॉर ट्विस्ट। इस तरीके से करके आपको पब्लिक को रोक के रख रहे हैं। अगर पब्लिक रुकेगी तो आपको वॉच टाइम अच्छा आएगा, वॉच टाइम अच्छा आएगा तो आपके लाइक अच्छे आएंगे, व्यू अच्छे आएंगे, व्यू अच्छे आएंगे तो आप पॉपुलर हो सकते हो बहुत जल्दी। उसके बाद जब आपकी इस तरीके की वीडियो वायरल होने लगे, आप इस तरीके की वीडियो बना के अपलोड करते हो अपने आईडी पे, कम से कम 10 से 12 वीडियो अगर आपकी यहाँ पे फेमस हो जाती है, मतलब वायरल हो जाती है, उसके बाद अगर आप अपनी वीडियो भी डालोगे तो उस पर भी 20,000-25,000 व्यू आराम से आ जाएंगे, तो आप इस तरीके से पॉपुलर हो सकते हो इंस्टाग्राम रील्स के अंदर। क्योंकि कई सारे बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि इसी तरीके के रिएक्शन वीडियो बना बना के टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और उनके आज इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो यार आप इस तरीके से अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो, मतलब आपको सिंपली से करना क्या है रिएक्शन देना है और आप हैशटैग भी कुछ यूज़ कर सकते हो। तो आपको जो भी हैशटैग यूज़ करने हैं वो अपनी वीडियो से रिलेटेड हैशटैग यूज़ करने हैं। जैसे कि अगर आप मेरे साथ ड्यूट वीडियो बनाते हो या फिर रिमिक्स वीडियो बनाते हो तो आपको सिंपली से एक हैशटैग यूज़ करना पड़ेगा शिवम रजनीश, और मेरे को मेंशन जरूर कर देना उस वीडियो पे। मेंशन तो खुद से ही हो जाता है बट आप सिंपली से यहाँ पे मेरे को मेंशन भी कर दोगे तो ठीक रहेगा। और आपको हैशटैग लगाने हैं उसी वीडियो से रिलेटेड, मतलब कि अगर कोई सैड शायरी वाली वीडियो है तो आप उस पर हैशटैग सैड शायरी लगा सकते हो, ठीक है। और कुछ ऐसे हैशटैग आपको यूज़ करने हैं, अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं या 10,000 से कम फॉलोअर्स हैं
तो आपको कुछ ऐसे हैशटैग यूज करने हैं जिसके अंदर यहाँ पे 30,000 से 40,000 पोस्ट पड़ी हो, ऐसे करके मतलब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आपको हैशटैग यूज करने हैं अपनी रील्स वीडियो के अंदर, कम से कम 15 हैशटैग आपको यूज करने हैं। अगर आप 15 हैशटैग यूज करोगे, और आपको हैशटैग चेंज करते रहना है, मतलब ऐसे नहीं कि आप 15 हैशटैग हर वीडियो में वही 15 हैशटैग लगाते रहो, ऐसा आपको नहीं करना है, हैशटैग आपको चेंज करते रहना है, तो आपकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने वाली है। तो यार अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपको भाई आपके लिए पे काफी ज्यादा स्प्रेड लेके आता रहता है। और यार अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे सिंपली से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपका कमेंट बॉक्स की रिप्लाई नहीं आता तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।